गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट्स। हिंदी में स्पर्श गद्य खंड के मैं आपको दो चैप्टर पढ़ा चुकी थी। ये तीसरा चैप्टर है ततारा वामीरो कथा का। इसके लेखक लीलाधर मंडलोई हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लीलाधर मंडलोई का जीवन परिचय जानते हैं। ये हमारी इस पाठ की पहली वीडियो है। सन 1954 के जन्माष्टमी के दिन, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, सन 1954 की जन्माष्टमी के दिन जिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव गुड़ी में जन्मे लीलाधर मंडलोई की शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई। यानी लीलाधर मंडलोई का जन्म 1954 में जन्माष्टमी के दिन जिंदवाड़ा जिले के एक छोटा सा गांव था। कौन सा, क्या नाम था उस गांव का? गुड़ी। उसमें लीलाधर मंडलोई की शिक्षा दीक्षा हुई, यानी प्रारंभिक शिक्षा हुई, और कहां कहां पर? भोपाल और रायपुर में हुई। प्रसारण की उच्च शिक्षा के लिए 1987 में कॉमनवेल्थ रिलेशंस ट्रस्ट लंदन की ओर से आमंत्रित किए गए। फिर इनको कहाँ जाना पड़ा शिक्षा के लिए? कॉमनवेल्थ रिलेशंस ट्रस्ट की तरफ से इनका निमंत्रण आया। कहाँ पर? लंदन की ओर, यानी लंदन में इनको आमंत्रित किया गया। इन दिनों प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिदेशक का कार्यभार संभाल रहे थे। जब लीलाधर मंडलोई क्या कर रहे थे? दूरदर्शन में महानिदेशक का कार्यभार संभाल रहे थे। उन्हीं दिनों में इनके लिए लंदन की ओर से लंदन जाने के लिए कॉमनवेल्थ रिलेशंस ट्रस्ट की ओर से आमंत्रण आया, जहां इन्हें उच्च शिक्षा लेनी थी। लीलाधर मंडलोई मूलतः कवि थे। कौन थे? वो कवि थे। उनकी कवि प्रवृत्ति थी। शुरू से वो कविताएं लिखना और कहानी लिखना ये कार्य करते थे। उनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ अंचल की बोली की मिठास और वहां के जनजीवन का सजीव चित्रण है। जो लीलाधर मंडलोई ने कविताएं लिखी हैं, उसमें छत्तीसगढ़ अंचल में, ये वहां का क्षेत्र है। अंचल इसलिए आया है, अंचल में जहाँ के ये छत्तीसगढ़ की जगह बताई गई है, तो उस क्षेत्र विशेष में उसके लिए यहाँ पर अंचल वर्ड का प्रयोग हुआ है। कि बोली की मिठास, यानी कहाँ की बोली है? छत्तीसगढ़ की बोली है और उसमें बहुत मिठास भरी हुई है। और वहां के लोगों का जनजीवन किस प्रकार का जनजीवन है, इन सभी चीजों का सजीव चित्रण इसमें किया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों पर लिखा इनका गद्य अपने आप में एक समाज शास्त्रीय अध्ययन भी है। देखिए बच्चों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात बताई गई है। वहां की जनजातियों पर, वहां की जो जातियां होती थी उन पर लिखा हुआ गद्य क्या है? एक समाज शास्त्रीय अध्ययन भी है। यानी जनजातियों में कैसा रहन सहन था, वहां के क्या रीति रिवाज थे, इन सब के बारे में उसमें बताया गया है। उनका कवि मन ही वह स्रोत है जो उन्हें लोक कथा, लोकगीत, यात्रा वृतांत, डायरी, मीडिया रिपोर्टर और आलोचना लेखन की ओर प्रवृत्त करता है। तो उनका कवि मन है, यानी कवि होते हैं, लेखक होते हैं, वो अपने मन के हिसाब से जो उनके मन में आता है, ठीक है, उनके भाव होते हैं, उनके विचार होते हैं, किसी एक क्षेत्र विशेष का अध्ययन करने के बाद उसे अपने कहानी और कविताओं में, नाटक में, ठीक है, इन सभी में उतारना उनकी प्रवृत्ति थी। अपने रचना कर्म के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित मंडलोई की प्रमुख कृतियां हैं। देखिए, इनको बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। और बहुत सी प्रमुख इनकी कौन कौन सी कृतियां हैं? घर घर में घर घर घूमा, रात बिरात, मगर एक आवाज, देखा अनदेखा और काला पानी, इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अब देखिए आगे चलते हैं पाठ प्रवेश। तो ततारा वामीरो कथा में देखिए क्या बताया गया है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। जो सभ्यता जितनी पुरानी है उसके बारे में उतने ही ज्यादा किस्से कहानियां भी सुनने को मिलती हैं, ठीक है। पुरानी सभ्यता में बहुत सारी बातें हुई हैं जो हम अब इतिहास के रूप में उसे पढ़ते हैं कि हमारे पहले पुरानी सभ्यता में क्या हुआ है, पहले क्या क्या संस्कार थे, किस तरीके की हमारी रीति थी,
तो वो किससे कहानियां सुनने को मिलती है पौराणिक सभ्यता में, किससे जरूरी नहीं कि सचमुच उस रूप में घटित हुए हों या जिस रूप में हमें सुनने या पढ़ने को मिलते हैं। ठीक है, पूरी पूरी बात यानी पूरा पूरा सही आकलन जरूरी नहीं है कि आपको पूरा सही रूप में मिल जाए आपको। ठीक है, इतना जरूर है कि इन किस्सों में कोई ना कोई संदेश या सीख निहित होती है। देखिए, जो कुछ किस्से होते हैं, कुछ कहानियां होती हैं, वो संदेश पूर्वक होती हैं। ठीक है, उसमें कोई संदेश छिपा होता है, ठीक, जो व्यक्ति को अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तमाम तरह के किस्से मशहूर हैं, मशहूर मीन्स प्रसिद्ध हुए हैं। कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इनमें से कुछ को लीलाधर मंडलोई ने फिर से लिखा है, जो कि लीलाधर मंडलोई के द्वारा रचित है यानी लिखा हुआ है। प्रमुख पाठ ततारा बामीरो कथा इसी द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। क्या एक द्वीप समूह पर रहने वाले कौन से थे? ततारा और बामीरो। ठीक है, वहां की यहाँ पे बात बताई गई है। उक्त द्वीप में विद्वेष मीन्स लड़ाई यानी जो भावनाएं मिलती नहीं है, द्वेष से भरी हुई हूँ। उक्त द्वीप में विद्वेष गहरी जड़ें जमा चुका था। ठीक है, आपसी मन नहीं मिलते थे उसमें, क्या गहरी जड़ें मीन्स अंदर तक उनमें मनमुटाव था। उस विद्वेष को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए, ठीक है, जो लड़ाई दंगे थे यानी मन के विचार नहीं मिलते थे, जड़ मूल में पूरे बेसिक तौर से उन्हें खत्म करने के लिए, मूल रूप से खत्म करने के लिए एक युगल, युगल यहाँ पर प्रेमी और प्रेमिका के लिए आया है। यानी दो थे, ततारा बामीरो थे, आपस में प्रेम करते थे, उसके लिए यहाँ पर युगल शब्द का प्रयोग हुआ है। युगल को आत्मबलिदान देना पड़ा था। आत्मबलिदान मीन्स उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उसी युगल के बलिदान, बलिदान मीन्स त्याग करना। ठीक है, वो दोनों प्रेमी थे, बाद में उनके बलिदान हो जाता है यानी कि ततारा की बाद में मृत्यु हो जाती है और बामीरो उसकी याद में पागल हो जाती है। पता नहीं कहाँ घर से बाहर निकलकर भटकती रहती है, उसका कोई लास्ट में पता भी नहीं चला। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कि उसी युगल के बलिदान की कथा यहाँ पर बयान की गई, यानी लीलाधर मंडलोई ने उन्हीं की कथा का यहाँ पर वर्णन किया है। प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बनाती है। बच्चों सभी को पता है कि प्रेम, जब हाँ हमसे कोई प्रेम करता है तो हम भी उसके साथ प्रेम करते हैं, और घृणा, अगर कोई हमसे घृणा करेगा तो हम क्या उससे बात करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो प्रेम सबको जोड़ता है, घृणा दूरी बढ़ाती है। इससे भला कौन इनकार कर सकता है? कोई इससे, इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि प्रेम पूर्वक बातें करने से सब हमारे पास रहना चाहते हैं और हम किसी घृणा करेंगे तो हमारे पास नहीं आएगा। इसीलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन तक का बलिदान करता है, समाज उसे न केवल याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता। देखिए, जो बलिदान होता है वो क्या होता है? व्यक्ति अपने प्राण तक दे देता है, लेकिन उससे जो, जिस कार्य के लिए व्यक्ति ने त्याग किया है, ठीक है, तो उसका, उसकी जो हमें क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा यानी परिणाम मिलेगा, वो अच्छा ही होगा। आगे आने वाली पीढ़ियां उसे याद रखेंगी और सीख लेंगी। यही वजह है कि तत्कालीन समाज के सामने एक एक मिसाल कायम करने वाले इस युगल को आज भी उस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। बच्चों समझ में आया कि एक मिसाल कायम की ततारा वामीरों ने क्या किया? अपने प्रेम का बलिदान दिया और वहां के निवासी यानी उस द्वीप के निवासी, अंडमान निकोबार द्वीप के निवासी गौरव और श्रद्धा के साथ उन्हें आज भी याद करते हैं। अब देखिए बच्चों, पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।